नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी और मैं इंजीनियर्स कॉम्पिटेटिव ट्रेनिंग एकेडमी से हूँ। ये आंध्र प्रदेश में है और मैं इंडियन नेवी से रिटायर हो चुका हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन एयरफोर्स में एक बार एग्ज़ाम होने के बाद क्या क्या आपको प्रिपेयर करनी है, क्या क्या एग्ज़ाम्स होता है, कैसे तैयारी करनी है। चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो है एक बार फेज़ वन होता है वो है रिटन एग्ज़ाम। अगर एक बार आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया है। और फेज़ टू में क्या क्या होता है, पहला फिज़िकल फिटनेस टेस्ट होता है, वो आप लोगों को 4 बजे सुबह सुबह बुलाया जाएगा ताकि आप लोग फ्रेश रहे। और कभी भी PFT जो होता है सुबह ही सुबह के टाइम में बुलाया जाता है। अगर आप PFT क्वालिफाई हो जाता है देन आपको 81, 82 दो होते हैं, एक अडेप्टेबिलिटी टेस्ट बोला जाता है जिसमें एक में आपको रीजनिंग क्वेश्चंस रहेगा, सिचुएशन रिएक्शन बेस पे कुछ क्वेश्चंस रहेगा। अगर वो क्वालिफाई होते हैं देन फर्दर आपको 82 एग्ज़ाम होता है जिसमें जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो क्या क्या है देखिएगा। PFT में क्या होता है, PFT वो है जिसमें 1600 मीटर की दौड़ है जिस आपको 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना होता है, पर आर्मी में तो 5 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना होता है। आर्मी में तो बहुत कम ही टाइम मिलता है लेकिन इसमें आपको एडेक्वेट टाइम है, इसमें कोई पॉइंट नहीं होता है और आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। आप आराम से दौड़िएगा, एक दूसरे पे गिरने की कोशिश मत करिएगा। और जो पुशअप होते हैं वो शायद 10 या 10 मैक्सिमम होते हैं और वो परफेक्ट प्लैंक पोजीशन में होना चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए, आपका कमर सीधी होनी चाहिए। और जो स्क्वाट्स है वो आपको स्ट्राइट होनी चाहिए, हेड स्ट्राइट होनी चाहिए, हैंड जो है स्ट्राइट होनी चाहिए। जो सिटअप्स होते हैं आपको ज़मीन पे लेटने के बाद आपका हाथ सीधा टो पे टच करके फिर पीछे जाना होगा, इस टाइम में आपको पाँव को कभी ऊपर नहीं उठाने का, अगर ऊपर उठाएंगे तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और एक बार अगर ये पूरा टेस्ट ख़त्म हो गया देन आपको उसके बाद 81, 82 टेस्ट होता है, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट बोला जाता है। पहला 81 में क्या होता है, आपको 35 सवाल दिया जाता है और आपको उस सिचुएशन बेस पे आधा घंटा में क्लियर करना होता है। और 82 ग्रुप डिस्कशन होता है, एक टॉपिक दिया जाएगा वो क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। 81 में इसको का साइको टेस्ट भी कहा जाता है जिसमें सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बोला जाता है, जिसके अंदर 45 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और जिसमें 4-4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जो आपको टिक करना होता है कि कहीं कहीं आपको सिचुएशन लिखना होता है। आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा और ये कैसा होता है, इंसिडेंट बेस्ड होता है और सिचुएशन बेस्ड होता है। और रीजनिंग कुछ सवाल होते हैं 10 या 15 होते हैं, उस 15 सवाल जो है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल में होता है। आप ये मत सोचिएगा रीजनिंग बहुत आसान होगा, रीजनिंग जो है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल होगा जिसमें आपको टाइम पूरा लग सकता है। तो आप उसको सोच समझ करके आंसर दीजिएगा और सब मैक्सिमम करने की कोशिश करिएगा। और एक बार अगर उसमें अगर आप क्लियर हो गया तो फिर आपको फर्दर आपको फेज़ टू रहेगा। जो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं फर्द उसी में वहीं से निकाला जाता है, तकरीबन 60% लड़के जो है 60-70% लड़के वहीं फेज़ वन में क्लियर हो जाते हैं। जब फेज़ टू में आते हैं कौन कौन आते हैं, जो ठीक ठाक एक 2/3 लोग बाहर हो जाते हैं, 1/3 लोग बच जाते हैं, उनको फर्दर ये टास्क दिया जाएगा। जो पैसेज रीडिंग होती है, पहले सबसे पहले रीडिंग ऑफ पैसेज 5 मिनट के लिए पढ़ना होता है और वो पैसेज कुछ भी हो सकता है, करंट टॉपिक हो सकता है जैसे कि डिमोनेटाइजेशन हो गया, चंद्रयान 2 हो गया, एस्ट्रॉयड डेंजर जो अभी रिसेंटली चल रहा है, जो एक्शंस मोदी जो है फॉरेन टूर का जो जो एक्शन हुआ है वो उसके बारे में हो सकता है, और वुमन एम्पावरमेंट का हो सकता है, कुछ भी दिया जाएगा उस टॉपिक के प्रति आपको पढ़ना होगा, समझना होगा और कुछ भी सवाल पूछा जाएगा इंटरव्यूअर। और इस ग्रुप डिस्कशंस के दौरान 6 लोग मैक्सिमम 6 लड़के होते हैं और 6 लड़कों को मौका दिया जाएगा अपने आप को बोलने की, और वहाँ पे सेल्फ इंट्रोडक्शन 30 सेकंड के होते हैं और कोई भी टॉपिक के बारे में बोलने के लिए अगर 30 सेकंड दिया जाएगा, उस 30 सेकंड के अंदर आपको जजमेंट कर लेंगे कितना ये कैलिबर है इस बंदे के अंदर। तो उसके बाद क्या है, आप जब भी बात करते हैं तो आप कुछ चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, वो ये है कन्वर्जेशन जो है कभी भी ऐसे कन्वर्जेशन कीजिएगा जिसे आगे जो भी बंदे हैं उनकी जो अटेंशन है आपकी तरफ ले सकें।
जैसे कि ऑडिबल वॉइस जो वो होता है, अगर रूम में पास में बैठे हैं उसी हिसाब से आप बात करिए, ज़्यादा तेज़ बात करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा तेज़ बात करोगे तो भी आपको दिक्कत होगी और आगे वालों को भी। और आप कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, हर एक आदमी अपना अपना प्रेजेंस शो करने के लिए शो करेगा, पर आपको ये ख्याल रखना है कि आपको भी साथ देना है। और ऐसा नहीं कि आप कुछ चीज़ों को नज़र रखते हुए, जैसे कि किसी भी टॉपिक अगर आपको मिल गया आपको इरेलेवेंट बात मत करिए। उस टॉपिक में आप अड़े रहिए और किसी के दूसरे का भी राय लीजिए, मतलब जो भी हो, अगर उन्होंने एक पॉजिटिव पॉइंट दिया तो अपनी तरफ से भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट पुटअप करिए। और ज़्यादा तेज़ी से मत बोलिए, और बीच में अगर कोई बोल रहा है आप बीच में मत बोलिए। अगर अपना पाँव हाथ जो है टैप करने की कोशिश मत करिए, आपका जो पोस्चर रहेगा वो एकदम सीधी रहेगा, आप स्लैक मोमेंट में मत रहिए जिससे लोगों को लगे कि ये बंदा अटेंटिव नहीं है। कभी भी बात करेंगे आप पॉजिटिव बात करिए, हैंड मूवमेंट्स कम कीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, एक मिरर के सामने, आईने के सामने जाइए, आप अपने आप को प्रैक्टिस करिए। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, आप खुद समझ सकते हैं। जिस हिसाब से मैं साउथ इंडियन हूँ और मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो मैंने भी बहुत ही कोशिश किया अपने आप को संभालने, मतलब बोलने में। और कोई काफ़ी इंटरव्यूज़ भी अटेंड कर चुका हूँ और काफ़ी अच्छा पोजीशन रहा नेवी में मेरा, जो जो भी रहा। लेकिन मैं बाहर आके मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं बाहर आ गया और मैं बाहर आप लोगों के लिए ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। तो जैसे कि इसमें लिखा है कि बी पॉजिटिव एंड लेस मोमेंट ऑफ हैंड्स, हैंड्स को अपने आप को कंट्रोल रखिए और ज़्यादा मोमेंट मत करिए जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ पे। और बॉडी लैंग्वेज को एकदम अलर्ट रखिएगा होल इंटरव्यू में। जैसे कि लिखा है कि कुछ चीज़ें, इसके बाद अगर आपका क्लियर हो जाएगी तो आपको मेडिकल टेस्ट में बुलाया जाएगा। मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, ये आपको हैंड्स अलाइनमेंट, हैंड सीधा है कि नहीं वो चेक करते हैं, 15 डिग्री एंगल से ज़्यादा तो नहीं, और लेग्स अलाइनमेंट का भी देखा जाएगा, और बो लेग्स नॉक नहीं चेक किया जाएगा, फ्लैट फुट है कि नहीं, और आई टेस्ट देखा जाएगा, अल्फ़ाबेट्स वगैरह पढ़ पाएंगे कि नहीं, पढ़ पा रहे हैं, जो भी फिगर्स दिया जाएगा, साइट तो नहीं, पेन टेस्ट भी होता है, पेन जो है आंखों के सामने लेके आएगा तो आपको फोकस करना होगा। कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है जिसमें आपको नंबर्स पता करनी है और कौन सा रास्ता दिखाना होता है। या कान का टेस्ट भी होता है, उसमें कोई भी लड़के को बाहर जाके उसको कुछ बोलने के लिए बोलेगा, वो बंदा कुछ चिल्लाने के लिए बोलेगा, वो किस आवाज़ निकाला आपको पहचानने के लिए बोलेगा, तो आपका कान टेस्ट भी होता है। हाइड्रोसिल टेस्ट जो है नॉर्मल साइज़ का होता है, हेमोरॉइड्स जो होता है अगर आपका कॉन्स्टिपेशन की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है ब्लीडिंग आना, तो जिसकी वजह से हेमोराइड्स हो जाता है, तो अगर आपको है आप जाके अपने डॉक्टर से ठीक करवा लीजिएगा। जैसे कि इसमें लिखा है कि कोई भी चीज़ जब मेडिकल टेस्ट के लिए जाते हैं तो आप ये ख्याल रखना होगा कि कुछ भी आप खा के मत जाइएगा सुबह सुबह। वहाँ पे आपको शुगर टेस्ट होती है, 14 घंटों की गैप होनी चाहिए, कुछ भी खाना नहीं खाना हुआ होना चाहिए, पानी पी सकते हैं पर ये सब नहीं करना चाहिए। और एक बार ब्लड सैंपल लेने के बाद आपको खाना ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलेगा, फिर आने के लिए बोलेगा, फिर ब्लड सैंपल्स आपका लेंगे, उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट भी लेंगे साथ में। तो आप कोशिश करिए जब खाना खाने के बाद अच्छा खासा पानी पीने की, और जब यूरिन टेस्ट करेंगे तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ब्लड शुगर फास्टिंग में इस हिसाब से टेस्ट किया जाएगा, सीरम कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, सो ये सब चीज़ें टेस्ट किया जाएगा। और जैसे आप देख रहे हैं इसमें किस किस हिसाब से टेस्ट होते हैं, ये नॉर्मल क्या है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज क्या है, डायबिटिक पेशेंट का क्या है, ये सब चीज़ें इसमें मेंशनड है। और जैसे कि देखें कि एक्सरे और चेस्ट जो है चेस्ट का एक्सरे लिया जाएगा आपको, आपको ये ध्यान रखना होगा कि 5 दिन तक आपको वहीं हो सकता है पूरा कार, मतलब ये मेडिकल होने में। और ईसीजी का भी टेस्ट होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हार्ट बीट का टेस्ट होता है ये। और साथ में आपको कुछ चीज़ें आपको ख्याल रखना होगा, वो मैं अगला सेट में आपको पूरा दिखा दूंगा। वो ये है कि आप अपना दांतों को स्केलिंग करवा लीजिए कोई डेंटिस्ट के पास जाके, और उनसे अगर कुछ पूछिएगा कोई ख़राब हुआ तो उसको निकाल के फिल करने की कोशिश करवाइएगा, अभी भी वक्त है। और
कानों में वैक्सिंग डीवैक्सिंग करवाइए अपने आप को, या डॉक्टर के पास जाइए, डीवैक्सिंग ड्रॉप्स होते हैं वो उसको ठीक से क्लीन करवाइएगा, और पैसा आप लेके जाइएगा, जिससे वहाँ पे आप रहने सहने के लिए, खाना पीना के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप मिनिमम 10,000 रुपीज़ अपने अकाउंट में होनी चाहिए, अपनी जेब में नहीं। और जो है ये स्पेक्टकल्स अगर आप पहनते हैं तो उस स्पेक्टकल्स को छुपाइएगा नहीं, उनको बताइएगा मेरे को स्पेक्टकल्स है पर मेरा साइट इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो उसी हिसाब से आपको वो कंसिडर करेगा, और वो आपको जाने से पहले एक ऑप्टोलॉजिस्ट से मिल के साइन करवा के, ये बंदे का इतना है, मैंने इसको प्रिस्क्राइब किया है, तो वो आपको कंसिडर किया जाएगा। वहाँ जाने के बाद उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, मेरे को स्पेक्स नहीं है, उनकी उनकी इतना एक्सपीरियंस है, वो पहचान लेंगे, आप अपने आप को खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे, तो बहुत ज़रूरी है उनसे पंगा मत लीजिए, और अपना सिंसियरिटी शो करिए, जिससे आपको फ़ायदेमंद रहेगा। अगर ज़्यादा अगर साइट है तो प्लीज़ कुछ नहीं कर सकते हैं उसके लिए, और अपना जो टर्नआउट है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे आप जो कपड़े पहनते हैं वो कुछ दिन के लिए जो भी रहेगा वहाँ पे, अपना जो हेयर स्टाइल है, अपना जो प्राइवेट पार्ट्स है, जाने से पहले प्लीज़ साफ़ करके वहाँ जाइएगा। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करके जाओगे, उसकी मूड पे रहता है, डॉक्टर जी जो है सेम टाइम बाहर कर देगा आपको, उनको अगर गुस्सा आ गया तो फिर उस सिचुएशन में वो ऑलरेडी इतना स्टूडेंट मतलब इतने रिक्रूट रिक्रूटर्स को मेडिकल किया हुआ रहता है, तो आप प्लीज़ उनको तंग मत करिए, जिससे उनको आपके बिहेवियर से, आपकी मतलब टर्नआउट से वो फिटअप हो जाएगा। तो प्लीज़ बी केयरफुल, जब भी जा रहे हो तो सिंसेयर होकर जाइए। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे इस वीडियो, आप प्लीज़ अपने दोस्तों को जो भी रहेगा आज या कल शेयर करिए, और मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ हमें बढ़ावा दीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा कर सकूँ। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप दूसरों को शेयर करते हैं और हमारे व्यूज़ बढ़ता है तो आपका कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ आपको सेंड करनी है। अगर वो आगे वाला बंदा अगर देखता है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं देखता है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पर आप अपना काम करिए, वो भी अपना काम करेंगे। हम चाहते हैं कि हम भी इसमें बहुत अच्छा आपके लिए आसान कर दें, जिससे लोग जो है उधर इधर भागने की कोशिश ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर करिए, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है मैं तहे दिल से उनसे शुक्रिया अदा करता हूँ, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, और आप प्लीज़ दूसरों को शेयर करिए, ताकि मैं भी थोड़ा बहुत इसमें अव्वल आ सकूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।